Hey everyone, this is CA Samiksha Setia and this video is yet another in the series of audit fundamentals. जैसे कि मैं आपको ऑडिट के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस देते आ रही हूँ, वैसे ही आज ये नई वीडियो मैं लेके आ रही हूँ ऑडिट प्रोसीजर्स को लेके। नाउ गाइज, कोई भी काम अपने जब करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ प्रोसीजर फॉर पासपोर्ट एप्लीकेशन। अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तो उसका एक प्रोसीजर है दैट यू नीड टू फॉलो। पहले अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, देन दैट गेट्स वेरीफाइड, दैट गेट्स अप्रूव्ड, एंड देन यू हैव टू फिजिकली गो टू द पासपोर्ट ऑफिस। आपको फिजिकली पासपोर्ट ऑफिस में जाके कुछ वहाँ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, फिर एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, एंड देन यू गेट द पासपोर्ट। सो पासपोर्ट एप्लीकेशन ले लो, पैन एप्लीकेशन ले लो, एनी थिंग इफ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एनी सर्टिफिकेट, उसका एक प्रोसीजर होता है। वैसे ही अपने अगर बात करें ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में, तो ऑडिट कैसे करेंगे, हाउ टू कंडक्ट ऑडिट, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसके कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं रादर, तो उसी के बारे में आज अपने डिस्कस करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट आर ऑडिट प्रोसीजर्स? ऑडिट, एज यू ऑल नो, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इफ वी टॉक ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो अपने चेकिंग करते हैं एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ, तो व्हाट आर प्रोसीजर्स? प्रोसीजर्स आर अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, दोज आर प्रोसीजर्स। तो अगर ऑडिट प्रोसीजर्स को हम क्लासिफाई करें तो दो टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, इसको अपने रैप भी बोलते हैं, RAP, एंड देन वी हैव फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, इसको FAP आप बोल सकते हो, ठीक है, राइम कराने के लिए, रैप एंड FAP, फाइन। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जैसे कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, रिस्क को असेस करने के लिए कि कितनी रिस्क हो सकती है, उसको असेस करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जो स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, दोज आर पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो आप कहीं वेकेशन का प्लानिंग कर रहे हो, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हो, और कई सारे डेस्टिनेशंस आपके दिमाग में हैं, एंड देन वी सी कि कहाँ का मौसम कैसा है, इज़ इट सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर सीजन जिसमें हमें वेकेशन पे जाना है। फिर वहाँ की अपने होटल्स देखते हैं कैसी है, वहाँ का लोकेलिटी देखते हैं, वहाँ की यू नो सीनिक आप देखते हो, कितनी साइट सीइंग आप कर सकते हो, तो आप पूरी असेसमेंट करते हो, राइट, बिफोर गोइंग फॉर अ वेकेशन। सिमिलरली, बिफोर स्टार्टिंग एनी पर्टिकुलर ऑडिट, अपने एंटिटी का रिस्क असेस करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क असेस करते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की रिस्क हो सकती है, जिसके लिए ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करते चलना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, ये अपने किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, अभी आते हैं वापस ऑडिट प्रोसीजर। देन वी हैव फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। चलो अब रिस्क तो असेस हो गई मैम कि कितनी रिस्क है एंटिटी में, कैसी प्रकार की रिस्क है, वो हमने असेस कर लिया, अब आते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के भी, जैसे आप देख रहे हो, दो पार्ट्स हैं। पहला है कंप्लायंस प्रोसीजर, इसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स या TOC भी बोलते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो पहले आते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर में। मैडम, कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होते हैं? कंप्लायंस प्रोसीजर या फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर द टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स विच आर परफॉर्म्ड टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। माइंड इट, क्या बोला मैंने, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। अगर आपने इंटरनल कंट्रोल्स, आपको नहीं क्लियर है क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है इंटरनल कंट्रोल्स पे, स्टॉप दिस वीडियो हियर, गो वॉच द इंटरनल कंट्रोल वीडियोस एंड इंटरनल कंट्रोल वाला वीडियो, एंड देन कम अगेन एंड कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स होते हैं वो कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स कई तरह के होते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं, अकाउंटिंग कंट्रोल्स होते हैं, यू हैव वेरियस प्रोसीजरल कंट्रोल्स, IT कंट्रोल्स होते हैं, वो कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, इसको जब चेक करते हैं और जो प्रोसीजर को यूज़ करते हैं उसका नाम होता है कंप्लायंस प्रोसीजर, राइट, या फिर TOC या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर मैम क्या होते हैं? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स होते हैं जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एक्चुअल में यूज़ कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। यहाँ हम टेस्ट कर रहे थे कंट्रोल्स की, जब आप अकाउंट्स की टेस्टिंग करते हो ना, फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के अगेन दो पार्ट्स हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब मैम, टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या है? एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शन को जब हम चेक करते हैं, किसको, ट्रांजैक्शन को या उसके अकाउंट बैलेंस को या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को जो चेकिंग करते हैं, उसका नाम है टेस्ट ऑफ डिटेल्स।
और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, या फिर इसको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर SAP भी कहते हैं. सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स हैं विच आर यूज टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल्स. जैसे कि आपने किसी किसी आइटम का रेशियो एनालिसिस कर लिया, आपने एंटिटी का करंट रेशियो देख लिया, लास्ट ईयर कितना था, अभी कितना है, ठीक है. तो ये रेशियो एनालिसिस करना, ट्रेंड एनालिसिस करना, ये सारा आ जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर में, विच इज़ अगेन पार्ट ऑफ योर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर. टेस्ट ऑफ डिटेल्स की भी अगर मैं बात करूँ तो दो पार्ट्स है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. ये सब नाम आप अवेयर होंगे, बट आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये एक्चुअल में क्या है. वाउचिंग यानी कि अकाउंट्स का वो हिस्सा, PL अकाउंट यहाँ हम चेक करते हैं, दैट इज़ द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. व्हेन यू वाउच, व्हेन यू चेक द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, यू आर एक्चुअली डूइंग वाउचिंग. और वेरिफिकेशन मैम क्या होता है, वेरिफिकेशन इज़ व्हेन यू चेक द असेट्स एंड लायबिलिटीज, दैट इज़ द बैलेंस शीट आइटम्स. तो ये हो गया पूरा ऑडिट प्रोसीजर का चार्ट, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है. अब आते हैं मैम, व्हाई डू वी परफॉर्म दीज प्रोसीजर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग व्हाई रैप, दैट इज व्हाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर एक्चुअली परफॉर्म टू अंडरस्टैंड द एंटिटी. जैसे अपने जब वैकेशन पे जा रहे थे, वी फर्स्ट एनालाइज्ड द डेस्टिनेशंस, राइट, उनको समझा हमने पहले. तो ऐसे ही ऑडिट जब आप करने जाते हो, आप सीधा किसी की बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ PL लेके नहीं बैठ सकते, या लेजर अकाउंट या जर्नल एंट्रीज लेके नहीं बैठ सकते. यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द एंटिटी, अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दैट इज बीइंग ऑपरेटेड इन द एंटिटी. तो इसके लिए परफॉर्म किया जाता है रैप, एंड दिस इज मेनली टू आइडेंटिफाई एंड असेस RMM, यानी कि रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट. कितना डेंजर हो सकता है, कितना डेंजर हो सकता है, उसको जब आप अपने असेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है दैट इज़ रैप. सो इट इज़ बेसिकली टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है. अभी वाई सैप, वाई सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. यहाँ पे सैप का मतलब हो गया सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, ना कि सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. तो दीज आर परफॉर्म टू एक्चुअली डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स. मिस स्टेटमेंट्स कितनी है अकाउंट्स में या कंट्रोल्स में, कंट्रोल्स वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसको जब अपने डिटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, दोज फॉर दैट वी आर परफॉर्मिंग द सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. अगर आपको मिस स्टेटमेंट समझना है तो मिस स्टेटमेंट पे भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, असर्शंस पे भी एक वीडियो अपलोडेड है. सो प्लीज़ गो एंड चेक दोज, आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट एंड असर्शंस. सैप जो होता है वो एक्चुअल फील्ड वर्क किया जाता है, अकाउंट्स की एक्चुअल चेकिंग, कंट्रोल्स की एक्चुअल चेकिंग, वो सैप होता है, ठीक है. टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस एक्चुअल में ऑब्टेन करने के लिए अपने सैप परफॉर्म करते हैं. रैप से आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि किस एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ थोड़ा कम फोकस करने से भी चलेगा. बट सैप से एक्चुअल ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन करते हो, जिसके ऊपर आप ऑडिट कंक्लूजन अपनी बेस करते हो, एंड देन यू गिव एन ओवरऑल ऑडिट ओपिनियन. So I think now the concept of audit procedures, the classification, the charting and everything is very much clear to you. If you have any doubts or queries regarding it, please do note it down in the comment section below. And I will give the links of internal control and misstatement and assertions ka video in the description box. Do go and check that out. Thank you so much, guys.